तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सेंसेशनल फैमिली 03। तो फाइनली आज हमको फिफ्थ डे था हॉस्पिटल में और फाइनली पाखी को और डोंडू को छुट्टी मिल चुकी है। तो अब हम जा रहे हैं घर। हम घर जाके देखते हैं कि डोंडू के लिए कैसे वेलकम किया जा रहा है। हमने कुछ डोंडू के लिए सरप्राइज रखा है, वेलकम रखा है, वो आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा। अच्छा, उससे पहले हम बता दें आपको कि डोंडू हम सिर्फ इसको टेम्पररी नेम से बुला रहे हैं। इसका परमानेंट नेम ये दिया है, वो भी लक्ष्य ने इसे दिया है। जब से मेरे पेट में थी तब से इसका नाम डोंडू बोलता था, सो अभी कंटिन्यू यही चल रहा है। पर होपफुली 13 डेज में नेम आ जाएगा तो उसके बाद डोंडू कैंसिल हो जाएगा। पाखे हॉस्पिटल में कैसा लगा 5 दिन? बहुत ही, अपना घर होता है, सो आई वांट टू गो टू माय होम। ओके, फाइनली गोइंग होम। कैसा लग रहा पाखी? मैं 5 दिनों बाद इस कमरे से बाहर आ रही हूँ और 6 दिन बाद हॉस्पिटल से बाहर जाऊंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सालों से कहीं मैंने बाहर की रोशनी नहीं देखी है, तो अब जाकर देखूंगी। ये तो अब पहली बार दुनिया देखने निकल गई बाहर, ये तो पेट से निकल के सीधे रूम में थी। सो जाते हैं, देखती हूँ बाहर की दुनिया में क्या क्या बदल गया 6 दिनों में। पाखी का और मेन पाखी से ज्यादा डोंडू का इंतजार हो रहा घर में। लक्ष, पापा वहाँ क्यों गए हैं? ताकि वो हम लोगों को गर्मी में नहीं जाना पड़े बाहर। लक्ष को, मम्मा को और डोंडू को। मेन तो रिस्पेक्ट डोंडू की है। अच्छा, तो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं है? मेरी क्या, मेरी तो छोड़ो, जितना रिस्पेक्ट डोंडू की है। फाइनली मुझे दिख गई आज बाहर की दुनिया। देखती हूँ क्या क्या बदला है इतने दिनों में बाहर। 5 दिन के बाद, 6 दिन, 6 दिन के बाद एक्चुअली मुझे डिस्चार्ज मिल गया था, बट डोंडू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, उसको इन्फेक्शन था, तो उसकी वजह से हमें वहाँ पर डिस्चार्ज नहीं मिला। और आज फाइनली इसको डिस्चार्ज मिला, अभी बिल्कुल ठीक है। और अब हम आगे भी यही चाहते हैं कि सब कुछ ठीक रहे। कुछ सरप्राइज भी आपके लिए कर रहे हैं, आपके लिए और डोंडू के लिए। मुझे मार के बाहर निकलते हैं, सो इसलिए मैं तो और डोंडू भी इतना परेशान होकर आई है, तो ऑब्वियसली हमारा वेलकम बनता है घर के अंदर। लेट्स सी, लेट्स गो, देखते हैं क्या वेलकम किया है हमारा, कैसे किया है। किसके लिए? डोंडू के लिए केक ले। चलो, ओ माय गॉड, कौन सा वाला? ये भी ले लो। सारे ले ले क्या? सारे नहीं, ये बोल दो। लक्ष, तुम लिख के दे रहा? बोला, फिर से बोला। तो गाइस ये देखो इन दोनों की एक्साइटमेंट, वो वहाँ केक लेने गया अपनी बहन के लिए। इसे कहते हैं व्लॉग पे व्लॉग बनाना। वो इनसाइड ले आए केक अपनी बहन के लिए। कैसा लेकर आए? अपना फेवरेट लाए हो कि बहन का फेवरेट लाए हो? अपना फेवरेट बहन को भी अच्छा लगेगा। और वो अपना फेवरेट बहन को भी अच्छा लगेगा यार। और उसमें क्या लिखवा के आए हो? हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे नहीं, हाँ, वेलकम बेबी गर्ल एट होम। वेलकम बेबी गर्ल एट होम लिखो।
कितना घूमती हूँ ना मैं, 6 दिन बैठी हूँ और अभी मेरे घर वाले कह रहे हैं 21 दिन बैठना है। अरे माधव मेरी परी आ गई, जय माता रानी जय माता रानी। मेरे घर आई एक नन्ही परी, खुश रहो खुश रहो। अरे ये पैर पैर तो लगाओ, जो पैर लगाओ। हद लग दो पानी। वाह माँ, जय माता दी। और जय माता, जय माता दी। आराम से वेलकम, वेलकम माता रानी, वेलकम माता रानी। पूछे वाले इस पूछे वाले इस पे। हाँ टिश्यू ले आ, जल्दी टिश्यू ले। और आप क्या कितने सुंदर हैं, उनको टिश्यू लाओ जल्दी। मासी, दादी सब लगे हुए थे। अच्छा लग रहा है। तो फाइनली अब हम कट करने जा रहे हैं डोंडू का वेलकम केक, और इस पे लक्ष्य ने लिखवाया है वेलकम बेबी गर्ल एट होम। वेलकम बेबी गर्ल एट होम। ओके मासी थी, वापस से मासी बन गई। शैतान बच्चे की मासी थी, अब अच्छी लड़की की मासी बन गई। नहीं, अब नहीं, 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 नहीं।